हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास ड्यूल स्टार्टर है, उसके साथ फ्लोट सेंसर का कनेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो ड्यूल स्टार्टर एंड फ्लोट सेंसर का कनेक्शन कैसे होता था, बट उसमें क्या था, जो यहाँ पर फ्लोट सेंसर है जो ओनली ड्यूल स्टार्टर को ऑफ करता था, मीन्स के बंद करता था, बट उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जो मैन्युअली स्टार्ट पुश बटन है उसके थ्रू ही ड्यूल स्टार्टर है जो ऑन होता था। और आज हम जो कनेक्शन देखने वाले उसमें ऑटोमेटिकली जो ड्यूल स्टार्टर है जो ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा, तो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो वाटर लेवल टैंक है जो फुल है, मीन्स के यहाँ पे जो सेंसर है जो इस कंडीशन में जैसे ही वाटर लेवल है जो उसका लेवल कम होगा तो यहाँ पे सेंसर है कुछ इस तरह से होगा, जैसे ही लेवल कम होगा यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर है जो ऑपरेट हो गया, मीन्स के ऑन हो गया। जैसे ही लेवल है जो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो सेंसर है कुछ इस तरह से पोजीशन में आएगा, जैसे ही लेवल है जो फुल होगा तब यहाँ पे जो ड्यूल स्टार्टर है जो ऑफ हो गया। तो एक कैसे उसका वर्किंग होता है उन सब के बारे में आज प्रैक्टिकली देखने वाले। तो इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं, फ्लोट सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं जो हम यूज़ करने वाले। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एक फ्लोट सेंसर है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो ड्यूल स्टार्टर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, मीन्स के ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो फ्लोट सेंसर है उसका यूज़ होता है। जो फ्लोट सेंसर है जो वाटर लेवल टैंक है, मीन्स के पानी की टैंक है, उसके ऊपर रखा जाता है। जैसे ही पानी का लेवल कम होगा तब यहाँ पे जो थ्री वायर है जो आपको दिख रहा है जो रेड ब्लैक एंड ग्रीन है, जो कॉमन एनो एनसी कॉन्टैक्ट है जो स्विचिंग होता है, मीन्स के वो कॉन्टैक्ट का जो स्विचिंग होता है, जो एनो कॉन्टैक्ट होगा तो एनसी होगा और एनसी होगा तो एनो होगा। एनो एनसी कॉन्टैक्ट क्या है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वाटर लेवल टैंक है उसमें सेंसर है कुछ इस तरह से हम रखते हैं, जैसे ही पानी का लेवल है जो ज़्यादा होगा, मीन्स के इंक्रीज होगा, तब यहाँ पे जो सेंसर की पोजीशन है कुछ इस तरह से होगी। जैसे ही वाटर लेवल है जो फुल होगा तब यहाँ पे जो एनओ एनसी कॉन्टैक्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड ब्लैक एंड ग्रीन वायर है जिसका कॉन्टैक्ट का जो स्विचिंग होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे जो कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा एनओ वायर है और कौन सा एनसी वायर है। अगर आपको मैन्युअल है उसमें लिखा रहता है कि कौन सा वायर एनओ एनसी कॉमन रहता है, अगर मैन्युअल आपके पास नहीं है और आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे तब यहाँ पे बीप का साउंड आना चाहिए, मीन्स कि वो कॉन्टैक्ट होगा जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे जो सेंसर है अभी यहाँ पे जो मान लो कि वाटर लेवल है जो कम होगा तब यहाँ पे सेंसर कुछ इस तरह से होगा, तब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वायर एनओ है और कौन सा एनसी है। तो यहाँ पे हम ए वायर देख लेते हैं जो ग्रीन एंड रेड है जो यहाँ पे एनओ कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक देख लेते हैं जो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे हम रेड वायर का यूज़ नहीं करने वाले, जो यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक वायर का यूज़ करने वाले जो अभी यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीप का साउंड है, मीन्स के वो एनसी कॉन्टैक्ट है। जैसे यहाँ पे लेवल है जो इंक्रीज होगा, मीन्स के वाटर लेवल है टैंक है जो फुल होगी, तब यहाँ पे सेंसर कुछ इस तरह से पोजीशन में आएगा, तब यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट था यहाँ पे जो ग्रीन एंड ब्लैक एनसी कॉन्टैक्ट था जो एनओ हो गया, तो यहाँ पे जो ब्लैक एंड ग्रीन वायर का हम यूज़ करने वाले हैं का वर्किंग कैसे होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो सेंसर था कुछ इस पोजीशन में था तब यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट था, तब यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलिंग पावर है जो नॉर्मली क्लोज रहता है तब यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर है जो ऑन रहता है। जैसे यहाँ पे सेंसर है कुछ इस तरह से पोजीशन में आएगा तब यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है जो एनओ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा ड्यूल स्टार्टर है जो ऑफ हो जाएगा। तो चलिए फिर हम पहले ड्यूल स्टार्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, बाद में हम उसका वर्किंग एंड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो ड्यूल स्टार्टर हम यूज़ करने वाले जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ड्यूल स्टार्टर का वर्किंग कैसे होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है और उसमें प्रैक्टिकली दिखाया है कि ड्यूल स्टार्टर का वर्किंग एंड कनेक्शन कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इजीली पता होगा कि ड्यूल स्टार्टर का वर्किंग एंड कनेक्शन कैसे होता है। उसका वर्किंग कैसे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फेज वायर है जो यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले L3 के साथ कनेक्ट करने वाले, वहाँ से यहाँ पे जो येलो वायर की लिंक है जो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है जो यहाँ पे येलो वायर की लिंक है, तो हमारा पावर यहाँ तक मिल गया। यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं, जो यहाँ पे कॉमन वायर है जो यहाँ पे ग्रीन वायर है जो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने वाले, और जब सेंसर है जो इस पोजीशन में होगा तब यहाँ पे जो एक ब्लैक वायर है जो एनसी वायर है, मीन्स के जो नॉर्मली क्लोज वायर है, उसका कनेक्शन हम कहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे स्टॉप पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने वाले। तो क्या होगा, हमारा पावर यहाँ से पास होकर ग्रीन वायर थ्रू या ब्लैक थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा।
यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है जो एनसी है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, तो यहाँ पे उसका पावर पास होकर यहाँ पे कोयल का A1 टर्मिनल है उसको मिल जाएगा, और हमारा जो यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑन हो गया। जैसे यहाँ पे जो सेंसर का पोजीशन है कुछ इस तरह से होगा, जब वाटर लेवल फुल होगा, जब टंकी पानी की फुल होगी, तब सेंसर इस पोजीशन में आएगा, तब क्या होगा यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट है जो NO हो जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर है जो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो ड्यूअल स्टार्टर एंड फ्लोट सेंसर का वर्किंग रहता है। तो चलिए फिर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि उसका कनेक्शन एंड वर्किंग कैसे होता है। हमने जो देखा उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन का सेकंड टर्मिनल और स्टॉप पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल के साथ यहाँ पे रेड वायर किलिंग थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, मींस के निकाल दिया। सेकंड क्या किया, यहाँ पे जो कोयल का सप्लाई जो हम फेज न्यूट्रल कनेक्ट करने वाले मींस के 220 वोल्ट कनेक्ट करने वाले, तो यहाँ पे जो कोयल का A2 टर्मिनल के साथ यहाँ पे डायरेक्टली लिंक थी L1 की उसको मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे जो कोयल का A2 टर्मिनल है वहाँ पे डायरेक्टली मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पे MCB का आउटपुट है जो न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और जो MCB का आउटपुट फेज वायर है जो यहाँ पे L3 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर दिया। चलिए फिर हम सेंसर का कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे सेंसर का 3 वायर है, जो यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लैक वायर है, जो ग्रीन है जो कॉमन वायर है, जहाँ पे रेड वायर का हम यूज नहीं करने वाले, ओनली ग्रीन एंड ब्लैक वायर का यूज करने वाले। जो ग्रीन वायर है जो कॉमन है जो स्टार्ट पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लैक वायर है जो हमने स्टॉप पुश बटन का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। चलिए फिर हम उसका वर्किंग देख लेते हैं। जो वाटर लेवल टैंक है उसमें पानी का लेवल फुल होगा तो सेंसर इस तरह से होगा, जैसे पानी का लेवल कम होगा मींस के यहाँ पे जो सेंसर है कुछ इस तरह से होगा, तब यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑन होना चाहिए, जैसे ही लेवल कम हो तब यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर ऑन होना चाहिए, जैसे ही लेवल इंक्रीज हो तो यहाँ पे सेंसर कुछ इस तरह से पोजीशन में आएगा, जैसे ही वाटर लेवल है जो फुल हो तब यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑफ होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जो जैसे लेवल कम हो तब ऑन होना चाहिए, जैसे लेवल फुल हो तब यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑफ होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है, जो वाटर लेवल टैंक है उसमें पानी का लेवल जैसे ही कम होगा तब यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑन हो जाएगा, जैसे ही पानी का लेवल इंक्रीज होगा मींस के जो पानी की टैंक है जो फुल होगी तब यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑटोमेटिकली होगा, ऑन भी ऑटोमेटिकली होगा ऑफ भी ऑटोमेटिकली होगा। हमने जो आगे वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या था, जो हम मैनुअल में ऑन करते थे और ऑटोमेटिकली फ्लोट सेंसर है जो ड्यूअल स्टार्टर को ऑफ करता था, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया जो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगा। बट यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो पावर है आपको कंटिन्यूसली ऑन रखनी पड़ेगी। जब हमने आगे वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या था, हम यहाँ पे मैनुअल में ऑन करते थे तभी यहाँ पे जो हम MCB है ऑन करते थे, बट यहाँ पे जो हम MCB है उसको कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे तभी यहाँ पे जो ड्यूअल स्टार्टर है जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि आपको पता चल गया ड्यूअल स्टार्टर का फ्लोट सेंसर के साथ कनेक्शन कैसे होता है और ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ ड्यूअल स्टार्टर कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।